आपने वायर लगाया, क्या लगाया? ठीक है, और ये वायर को निकाल के यहाँ से ऐसा एक्रिलिक की प्लेट से अटैच कर दिया, समझ में आया? जिससे इक्वल फोर्स आएगा तीनों में, बेटी। इसमें क्या डिसएडवांटेज थे? इसमें मेन फोर्स फर्स्ट प्री मोलार और मोलार का ज्यादा था, सेकंड का नहीं। बेटी और क्योंकि देखो तार किससे निकले थे, इन दो इस पर तीनों जुड़े हुए तो तीनों जाएंगे। इनमें क्या डिसएडवांटेज था कि हो सकता है ये मूव ना करे, पहले ये ज्यादा कर जाए थोड़ा सा, फिर ये लेट करे, गेटिंग अलोन। तो पूछना चाहते हो, ठीक, ये दोनों में आप तुत और टिश्यू सपोर्ट ले रहा, डेट वाई तुत एंड टिश्यू। ये था डेरिस सेल्वियर, डेरिस सेल्वर टाइप, और ये है हैश टाइप। कुछ पूछना चाहते हो तो बताओ, ठीक है। थोड़ा सा और है इसके लिए, अच्छा डायग्राम आपको देखना है तो बुक नेट पे आप देख सकते हो, यार यहाँ पे बनाना उतना पॉसिबल नहीं, मैं थोड़ा आपको जल्दी जल्दी बता रहा हूँ, ठीक। मेरा ध्यान से सुनिए, इस एक्शन टाइप क्या है? कुछ नहीं, एज इट इज, ये फर्स्ट प्रीमोलर, ये सेकंड प्रीमोलर और ये फर्स्ट मोलर, समझ गए? ये फर्स्ट प्रीमोलर, ये सेकंड प्रीमोलर और ये समझ गए। इसमें क्या करेंगे हम, डायरेक्ट एक वायर लेंगे, वायर लेंगे, वायर लेने से पहले इनको बैंड करेंगे, क्या करेंगे? बैंड मतलब चारों तरफ से कवर कर दिए, इस पर हमने वायर लगा दिए दोनों तरफ, क्या कर दिए? ऐसा, समझ में आया? और बीच में हमने स्प्रिंग लगा दी, क्या लगा दी? अपने आप धक्का दे दिया, ये समझ में आया? ठीक है, यस, ठीक है, यस। इसमें हमने टिश्यू का सपोर्ट नहीं लिया, इसलिए इसको तुत वायर बोलते हैं। कुछ पूछना चाहे, ठीक आ रहा है? मतलब बीच में एक्रिलिक लगाई नहीं, डायरेक्ट स्प्रिंग लगा के रखता हूं, आ रहा है, गेटिंग ऑन नॉट? इसलिए इसको सिर्फ तुत वायर बोलते हैं। पर इसका डिसएडवांटेज क्या है? यस, नॉट दुर्गा चल रही है, नारियल खाए फंस जाएगा, पालक खाए फंस जाएगा, निकालते निकालते पर सामने जाएगा, स्प्रिंग बाहर जाएगी, बोले सब नॉट गेटिंग, ठीक। हायरेस्ट टाइप, ठीक है, नहीं समझते? देखो आप लोग सुबह 8 बजे से निकले हो ना, थकान हो जाती है, खाना फिर वही है, बाहर रह रहे तो व्यक्ति समोसा कितना खा रहे हैं, यस, इतना वो हो नहीं पा रहा, थकान हो जाती है। हायरेक्स टाइप में क्या है? कुछ नहीं, अगेन आप बेंडिंग करोगे, सही कौन सा तुझे बताओ, श्रुति? फर्स्ट प्रीमोलर, मैं बार बार आपको बता रहा हूँ, ये फर्स्ट प्रीमोलर है, ये फर्स्ट मोलर है, ये सेकंड प्रीमोलर है, तो आप समझ ही रहे हो कि बार बार वही चल रहा है, समझ में आ रहा ना? तो पहले क्या करी, बेंडिंग क्या करी, बोलो, मशीन का फर्स्ट प्रीमोलर या मोलर ना हो तो हो गई नहीं आसानी, हरा समझ में, क्योंकि उसकी एज मिटी जाएगी, क्या हो जाएगी? यही पढ़ा रहा हूँ मैं, पढ़ रहे हैं मुझे, जिसके नंबर ऑफ टूथ मिसिंग है, फिर आप फोर्स टाइप लगाओ तो बोन में बोन बैठ जाएगी, क्योंकि फोर्स तो सिमेट्री से ही लगाना है, आ रहा है ना? ठीक है, यहाँ पे आपने वायर लिया, सोल्ड कर दिया, वायर लिया, सोल्ड कर दिया, नहीं समझ में आया? हाँ, आप किससे धक्का दे सकते हो? रिमूवल वाले से, किससे दे सकते हो? क्योंकि वो हार्ड प्लेट से अटैच होकर फोर्स लगाता है, पर वो भी चांस कम है, दिक्कत रहेगी यार। बीच में आपने क्या लगाया मैडम? हैवी हायरेक्स लगा दिया, क्या लगा दिया? तो ये हायरेक्स क्या है? जेट जैसा, कैसा है? इसको गेटिंग खोलते जाएंगे, बढ़ते जाएगा। कुछ पूछ रहे हैं, यहाँ से एकदम हैवी भी जुड़ा जाएगा, ठीक है। कुछ पूछना चाहते हैं ये, गेटिंग? हाँ, नहीं आ रहा समझ में क्या? इसको खोलते जाओगे फोर्स इधर जाते जाएगा, कुछ पूछना चाहते हैं तो बताओ फटाफट। ये हायरेक्स टाइप है, बहुत अच्छा पेपर है, क्यों? क्योंकि इसमें खाना भी नहीं फंसेगा, रैपिड मैकेल एक्सपांसन के लिए तो गौर में, कैसा है टाइप? तो पूछना चाहते हो क्या पढ़ रहे थे हम? कोई डाउट आ रहा समझ में? ये मैंने आपको डिफरेंट डिफरेंट अप्लायंस पढ़ाया, क्या पढ़ाया? डिफरेंट डिफरेंट अप्लायंस पढ़ाया। और सुन लो, दो और हैं, एक बॉन्डेड है और एक बेंडेड है, समझ में आया? सर बॉन्डेड में क्या करें? बेटा सुनो, बॉन्डिंग मतलब क्या होता है? सुन लो,
इसी पे जोड़ लेना, बॉन्डेड आर्च एक्सपांशन के लिए और एक बैंडेड। बॉन्डेड में क्या होता है, ये टूथ है, इस टूथ पे हम पूरा एक्रेलिक भर देंगे। क्या भर देंगे? एक्रेलिक की एक प्लेट बनाएंगे, इधर एक्रेलिक की एक प्लेट बनाएंगे, आ रहा समझ में? उसको फिक्स कर देंगे जीआईसी से, समझ में आया? बीच में वही स्क्रू लगा दें, बॉन्डेड। और एक है बैंडेड, क्या है इसमें क्या करेंगे? फर्स्ट प्रीमोलर, सेकंड प्रीमोलर, फर्स्ट प्रीमोलर, सेकंड प्रीमोलर, फर्स्ट मोलर, इससे हम क्या लगाएंगे? बैंड। क्या लगाएंगे? आपने ध्यान दिया था, मैंने बैंड नहीं बताया, डायरेक्ट उस पर एक्रेलिक लगाया, इस पर हमने बैंड लगाया मेटल का, और बीच में देते कोई फोन डाउट, ये भी फिक्स है क्योंकि आपने इसको चिपका दिया है, लगा दिया है। और ये किस में पढ़ रहे हैं आप? फिक्स है अपना, बोल लो। ये जो हम लगा रहे हैं इतने स्क्रू वगैरह तो कुछ है नहीं, है बीच में नहीं, स्क्रू है कि सर अंतर क्या है? हल्का हल्का सर अंतर समझे अपने, तुम भी निकल ला, एक अपना मॉडिफिकेशन है। हाँ हाँ उसी का भाई, ये समझ लो, आ रहा समझ में? उसी में आइए, ठीक है उसी में बताओ। और ये ट्रीटमेंट हम उन्हीं में करें, मतलब परमानेंट ट्रीटमेंट करेंगे, परमानेंट ट्रीटमेंट इंडिकेशन। बताओ क्या समझ में आ रहा है? इधर सुनिए जरा ध्यान से, नेक्स्ट क्या है? मतलब टिपिकल एक्सपांशन स्क्रू, मतलब हाँ मतलब ये बीच में देखो एक स्क्रू का आपको एक डायग्राम दिया हुआ है, आ रहा समझ में? टिपिकल आर स्क्रू, इसमें एक स्क्रू होता है, एक रिंग होती है, क्या होती है? की होती है। नहीं समझ में आया? इस की को क्या करते हैं, सुन लो जरा, सुन लो, दो तरीके हैं। ये की कैसी है, एक बार घुमाते हो 90 डिग्री, एक बार 90 डिग्री घुमाते हो, दोनों तरफ की स्क्रू पे एक्सपांड करती है, कैसी होना बहुत ज़्यादा फोर्स जनरेट करती है, आ रहा समझ में? इसके लिए क्या करते हैं, ध्यान से सुन लो, एक की दे देते हो, उस की में क्या कर देते हो, रस्सी बांध देते हो, थ्रेड, क्या? क्योंकि पेशेंट घर में करता है, बता रहा हूँ क्यों करता है, घर में बार बार आपके पास क्यों नहीं आती, क्योंकि दिन में 2 बार या 4 बार करना है, कितने बार करना है? तो इतने बार तो आएगा नहीं आपके पास, तो आपके घर में रखना पड़ेगा, यस, दिन में 2 बार भी नहीं आ पाएगा। यदि आप 90 डिग्री मूव कर रहे हो, कितना? यदि की को आपने 90 डिग्री मूव किया तो दिन में 2 बार, फर्क समझ में? वो भी कितने बार? 2-2 बार घुमाना, कितने बार? समझ में आया नहीं आ रहा? 180 डिग्री हमने एक बार सुबह घुमाया, एक बार शाम को घुमाया, इतना समझ में आया आपको? समझ में आया? तभी सुन लो, क्या समझ में आया? शुरू भी 4 से 5 दिन तक रोज एक एक बार घुमाना है, एक बार सुबह एक बार शाम को, मतलब दिन में 2 बार हो गए, 4 से 5 दिन के बाद फिर क्या करेंगे अपन? आ रहा समझ में? 2 टाइम्स करेंगे, कितने बार करेंगे? समझ में आ रहा है? नहीं आता है, ठीक है, कुछ पूछना चाहते हैं? ठीक, 5 से 7 दिन के लिए। यदि आपको लगता है कि 90 डिग्री फोर्स बहुत ज़्यादा जनरेट कर रहा है, तो आप 45 डिग्री कर सकते हो दिन में 4 बार, हल्का हल्का सुबह दो, अपना टाइम मान दो, कर दो, आ रहा समझ में? ये पेरेंट्स करेंगे, पेशेंट को नहीं करेगा, बच्चा नहीं कर पाएगा, साथ में थ्रेड बांध देंगे धोखे से, वो की गिर गई तो अंदर गले में जा सकती है, इसलिए प्रिकॉशन है। क्या है ये? सुनना चाहते हो, आ रहा समझ में? आपको स्पेस बहुत तेजी से गेन होते हुए दिखे, कोई लाओ स्पेस आ रहा है कि नहीं आ रहा, उसके लिए आप क्या करोगे? डायग्नोस्टिक एड्स मैंने आपको बता चुका हूँ, एक्सरे कर दोगे, सीटी कर दोगे, एमआरआई कर दोगे, मिड टाइम टेस्टिंग वाले कर दोगे, बहुत पेन होगा, आ रहा समझ में? इसलिए किसको नहीं करना है? अनकोऑपरेटिव पेशेंट। नेक्स्ट हेडिंग ये हो चुका है, मैंने बता दिया, जो भी आपको बता रहा हूँ, ट्रीटमेंट एवेल्युएशन, कितना फायदा हो रहा है, मिड लाइन डायस्टी में दिखेगा आपको, आर्च एक्सपांशन दिखेगी, मैंडिबल पीछे की ओर जाएगा, मैंडिबल आगे की ओर जाएगा, क्लास 3 के सीट ठीक होते हुए दिखेगा, बोलो नहीं आपको समझ में? ठीक है, ठीक है, कितना आपको करना है, आपको एवेल्युएट करना है, बोले सुनो, और कितना स्पेस आया है, सुन लो जरा, इधर सुन लो जरा, कितना स्पेस आया, जितना आप स्क्रू खोलोगे उसका आधा आपको मिड लाइन डायस्टी में दिखेगा। बट बहुत सारे साइंटिस्ट बोलते हैं कि रिलायबल मेथड नहीं है, क्या नहीं है? अगर गलती उसको ज़्यादा घुमा देंगे तो ज़्यादा स्पेस आएगा, वहीं तक पेन होगा, यस,
मतलब आपने कितना स्पेस गेन कर लिया, कैसे पता चलेगा? कैसे पता चलेगा? मान लो आपको यहाँ पे 1 mm का स्पेस आ गया, 2 mm का आ गया, तो आप समझ लेना कि आपने उसको ज्यादा ओपन कर दिया। बोलो, नहीं आ रहा समझ में? कुछ पूछना चाहते हैं? नहीं। और बताइए। पूछना चाहते हो क्या? नहीं आ रहा समझ में? पूछ लीजिए प्लीज। और हाँ, और बताइए। कॉन्ट्राइंडिकेशन किसको नहीं करना? अनकोऑपरेटिव पेशेंट को नहीं करना जिसमें फेशियल एसिमेट्री हो, जिसका एक तरफ का मैगजिला कम डेवलप हो, एक तरफ का मैंडिबल कम डेवलप हो, एक तरफ का कम मैगजिला, एक तरफ का कम मैंडिबल, मतलब फेशियल एसिमेट्री हो, उन पेशेंट को नहीं करना है। आ रहा समझ में? साइकोलॉजिकल वाले पेशेंट को नहीं करना है। और बताइए। मेंटली रिटार्डेड पेशेंट को नहीं करना। और बताइए। सिंगल टूथ क्रॉस वाइड है तो नहीं करना है। सिंगल टूथ क्रॉस वाइड के लिए भी करेक्ट करोगे तो एक तो ठीक हो जाएगा, बाकी हो गए समझ गए। और बताइए। जिसका मुंह लंबा है उसका मैंडिबल और नीचे चल जाएगा, सबका जैसे मुंह जाएगा, ठीक है, उसका नहीं करना, समझ गया ना? मतलब इसकी वर्टिकल ग्रोथ है उसको नहीं करना। कोई डाउट? नेक्स्ट। मैंने बताया कि आपको इसके लेकर एसिमेट्री, कोई भी एसिमेट्री है मैगजिला मैंडिबल में तो नहीं करना है। नेक्स्ट। मैडिबेलेटल सुचर का जो ऑसिफिकेशन हो गया, सुन लो कैसे पता चलेगा आपको? गर्ल्स का 16 ईयर तक ऑसिफिकेशन हो चुका था और बॉयज का 18 ईयर, कितने 18 साल, समझ में आया? इससे बड़े मतलब नहीं करना है। समझ में आ रहा है क्या? नहीं आ रहा। और यदि आपने एडल्ट ट्राई करने की कोशिश भी करी, बहुत सारे साइंटिस्ट बोलते हैं कि आपको 27 साल तक कर लो, कितने साल तक? समझ में आया? 12 से 27 या 16 से 27 साल तक आप कर सकते हो। तो एडल्ट में जो आप फोर्स लगाओगे, क्या लगाओगे? क्या लगाओगे? समझ में आया? वो कम लगाओ। क्या लगाओगे? कम लगाओगे। ठीक है। यस, और बताइए। हैं पेरिटोनियली वीक व्यक्ति, जो दांत ऑलरेडी हिल रहे हैं, तुम धक्का दोगे फट से बाहर, अच्छा एक्सट्रूजन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कॉम्प्लिकेशन। क्यों? जब आप धक्का दोगे तो दांत ऐसे जब ऐसे निकलेंगे तो हल्के से बाहर जाएंगे, लटक जाएंगे। आ रहा है? ठीक है। और मोबिलिटी अशक्ति कभी कभी, ठीक है। तो पूछना चाहते हैं? यस। नेक्स्ट वी हैव डन रैपिड मैक्यूलरी एक्सपांशन। कुछ बच्चा को रोका? रिटेंशन बोल रहे हैं। रिटेंशन, जब आपने एक बार मैक्यूलरी एक्सपांशन ले लिया, उसके बाद आप रिटेंशन अप्लाई देते हो कि वो फिर से मैक्यूला पास ना, इसलिए रिटेंशन अप्लाई देते हैं। ये और तो मतलब सब में दे रहा है। सर्जरी एज एडजन, मतलब जिस अपन को लग रहा है कि सेलेक्ट का ऑसिफिकेशन हो ही जाए, मान ही जाए, तो उठाएंगे उसको, लटाएंगे, वो खोलेंगे, 20 से मिनट पेटर सुधर को खा देंगे, हो गए चले जाएंगे डायरेक्ट ऊपर। नहीं समझ आ रहा? यस, बट ये थ्योरी में ही ज्यादा है, समझ गए? बैटिंग क्लिनिकल के ये कोई व्यक्ति करे, कोई डेंटिस्ट करे जिसको अच्छे से काम आ रहा है, सावधानी से करे, सिंगल क्रॉस वाइट के लिए ना करे, नहीं समझ में आया, ओरल हाइजीन मेंटेन करे, अनकोऑपरेटिव पेशेंट के लिए नहीं करे, प्रॉपर तरीके से देखते जाए कि कितना स्पेस गेन करना है और कितना स्पेस गेन हो चुका है, सिमेट्री मेंटेन हो, नहीं समझ में आ रहा है? ठीक है। पेशेंट को इस्तेमाल करते आते हो? हाँ, हरा संजय प्रॉपर ट्रेन करते आता हो, उसको खुद लगाते आता हो, बताओ। नेक्स्ट, और कोई हेडिंग छोटी क्या इसमें? स्लो एक्सपांशन। नेक्स्ट क्लास में बताते हैं। बताइए तू क्या स्लो एक्सपांशन, सुन लो तुम, स्लो एक्सपांशन क्या है? स्लो एक्सपांशन कुछ नहीं है, इसमें आप जो रैपिड था वो स्लोली एक्सपांड करोगे। इसके लिए पहला मैं आपको पहले बता चुका हूँ, कॉपी स्क्रीन, समझ में आया? ठीक है। क्या है? जैक स्क्रू, वो अपन ने आरपीडी में पढ़ा था, वैसे ही बीच में स्क्रू लगा रहेगा एक्रिलिक के थ्रू, नहीं समझ में आया? नेक्स्ट, क्वाड हेलिक्स क्या है? सुन लो इधर से, जैसे ये डबल हेलिक्स है, सुन लो इसको क्या बोलते हैं, डबल दो हेलिक्स, उसमें क्या होंगे? आ रहा समझ में? ऐसे आपको चार हेलिक्स निकलते दिखेंगे। आ रहा है क्या?
आ रहा समझ में? ठीक है, ये थे दो हेलिक्स, ये थे चार हेलिक्स, तो चारों जगह फोर्थ मारेंगे ऐसे। आ रहा है क्या? इस पर भी ऐसे यहाँ पर रिंग लगी होगी, ये रिंग को खोलते जाओ फोर्थ बनते आएगा, स्लो फोर्थ आएगा इसमें, क्वाड हेलिक्स। इसमें रिकमेंड और फिक्स के साथ कुछ नहीं है? ऐसा कुछ नहीं है। यस, मतलब आप इसको स्लो वो ही लगाओगे ना, फिक्स करके लगाओ। कैसे लगाओगे? फिक्स करके। नेक्स्ट, आर्च फिक्स अप्लायंसेस। नेक्स्ट, ठीक है, निकिल टाइटेनियम से भी लगा सकते हो आप। ठीक है, क्या है मैडम? एक्सपांशन में अरे आर्च वायर के थ्रू आप कैसे लगा सकते हो? सुन लो, एक एक्सपांशन आप कैसे कर सकते हो जिसको पेसिव एक्सपांशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पेसिव एक्सपांशन। क्या सुन लो जरा, क्या हो रहा है? जैसे आपको लग रहा है कि मेरा मैंडिबल की ग्रोथ नहीं हो रही है, क्यों? मतलब मैंडिबल तो बिकॉज ऑफ लोअर लिप, तो आप लिप बम्पर लगाओगे। पढ़ने पड़ा था क्या? मोलार पे बैंड लगा के एक वायर दोगे, इससे ऐसा हो जाएगा, ऐसा था। इसके कारण क्या होगा? ये जो लिप है इसको दबा रहा था इंसाइडर को, तो इंसाइडर दम ना बंद हो जाएंगे तो बाहर चले जाएंगे, इसको बोलते पैसिव ग्रोथ। नहीं आ रहा समझ में? ये वही है सब। आ रहा समझ में? ठीक है, निकिल टाइटेनियम से भी आप लगा सकते हो। नेक्स्ट आ रहा है? तो सर हम ये क्या पढ़ रहे थे? हम पढ़ रहे थे मैक्सिलरी एक्सपांशन, जिसमें हमने आपको रैपिड पढ़ाया, स्लो पढ़ाया, स्लो भी आज हुई है। यस, ठीक है। और एक क्वेश्चन, यदि कोई डाउट हो तो पूछिए। मैक्सिलरी एक्सपांशन तो क्या मैंडिबुलर एक्सपांशन भी होता है? सिर्फ मैक्सिलरी का है, सिर्फ मैक्सिलरी का। और ठीक है, जिसका मैक्सिलर साइज में मैंडिबल छोटा हो फिर उसने पूछा करते हैं। ये फेस मास्क थेरेपी सुना है आपने? फेस मास्क थेरेपी, चिन का जिसका मैंडिबल छोटा है उसको दूसरे तरीके से कराते हैं, पर वो ये नहीं होगा। ठीक है,